श्रृंगी ऋषि और उपशिष्ट बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञरचा जब पुत्रेश यज्ञ करवा बाबा तुलसीदास जी कहते जब पुत्र यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था। वो खीर महाराज दशरथ को दी है, जवाब दिया दशरथ तुम इस खीर को ले जाकर के अपनी रानियों को खिला देना, और जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास तुम्हारे घर में तुम्हारे रानियों के घर से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया, वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लिया है, और जब ये महलों के अंदर पहुंचे हैं इन्होंने तीनों रानियों को बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह। और जब इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया उसके पहले दो भाग किए, तो अलग भाग कौशल जब दो भाग किए, आधा ऐसा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया वो केकई और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है, सुमित्रा हम दोनों से छूटी है, अपने में से आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे, विद्वानों का सम्मान नहीं, विद्वान जिस जगह पर मिल जाते हैं सर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे, महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे सरा। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का भेष धारण करके रोने लगी, भगवान को आवाज लगाई है प्रभु अब मेरी रक्षा कर। कि तेरे सुनाई तकारी और मोर पे पीर पड़ी एक
बिपदा रा सरदी बिपदा रा।